छात्रों, कल हमने पार्ट दो पढ़ा था, जिसमें हमने यह जाना कि जो मतलब शिव धनुष यज्ञशाला में लाया जाता है और यज्ञशाला में लाने के बाद बड़ी मुश्किल से अनुचर उसको लेकर आते हैं और एक एक जो राजकुमार आए होते हैं वह प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी धनुष को मतलब तोड़ना तो दूर, वह उसको उठा भी नहीं पाते, तो उठा नहीं पाते तो फिर विदेहराज का संकेत मिलकर जो महर्षि वशिष्ठ होते हैं, महर्षि विश्वामित्र होते हैं, वह उनकी तरफ बोलते हैं, उन्हें मतलब आज्ञा देते हैं कि तुम भी धनुष को, राम लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि तुम भी देखो धनुष को। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, कि राम ने क्या किया, सिर झुकाया और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया कि आगे बढ़े, और उन्होंने क्या किया, जो पेटी थी जिसमें वो धनुष रखा हुआ था उसका वो उन्होंने तो उन्होंने वो मतलब ढक्कन जो था जिस खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, राम ने पहले धनुष देखा फिर महर्षि को देखा, कि पहले उन्होंने धनुष देखा और फिर उन्होंने महर्षि विश्वामित्र की तरफ देखा। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने यह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया, कि जैसे ही गुरु का संकेत मिला तो राम ने सहज मतलब होता है आराम से, कि उन्होंने उस धनुष को आराम से उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे, कि यज्ञशाला में जो लोग थे वे सारे हतप्रभ थे, मतलब वे आश्चर्यचकित थे कि जिस धनुष को कोई भी नहीं उठा पा रहा था उसे राम ने इतने आराम से उठा लिया, तो इसे देखकर सारे आश्चर्यचकित हो गए। तो वो क्या हुआ, सारे आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने पूछा। अवश्य यदि ऐसा कर सकते हो, तो उन्होंने बोला अवश्य यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो कर दो। विदयराज चकित थे, राम ने आसानी से धनुष झुकाया, और विदयराज चकित थे और राम ने आसानी से जो धनुष था वो उसको नीचे की तरफ झुका दिया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची, और ऊपर से उन्होंने उसको खींचना थोड़ा, प्रत्यंचा चढ़ा डोरी चढ़ाने के लिए उन्हें खींची, दबाव से जो धनुष था वह बीच में टूट गया, और जैसे ही दबाव था वह दबाव से क्या हुआ, जो धनुष था वह बीच में टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए, और जो धनुष था उसके कितने दो टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौनों की तरह, जैसे बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं उसी प्रकार राम ने धनुष को उठाया और उसके दो हिस्से कर दिए। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, कि जो यज्ञशाला थी उसमें क्या हुआ, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे, कि सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे कि यह क्या हुआ। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी, कि जो सभा पूरी जो जितने भी लोग थे वहाँ बैठे हुए थे वो सब चुप थे, तो महाराज जनक ने उसको तोड़ा, उसकी उन सबकी लोगों की चुप्पी को तोड़ा, उनकी खुशी का ठिकाना न था, कि उन्हें उनकी खुशी का ठिकाना न था, उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था, कि उन्हें जो सीता थी उसके लिए, जो उनकी बेटी थी सीता, उसके लिए उन्हें क्या एक योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, जनकराज ने कहा मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। फिर वो कहने लगे कि मुनिवर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेज दूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए, कि यह शुभ संदेश उन्हें जल्दी से भेज देना चाहिए कि जो राम है उन्होंने धनुष तोड़ दिया है और सीता का विवाह उनके साथ होने वाला है। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, कि महर्षि की अनुमति से उन दूत जो है वो अयोध्या भेज दिए गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से, कि जो रेत जो वो थे रथ थे वो सबसे शीघ्रगामी रथों को लेकर आया गया और उनके द्वारा अयोध्या संदेश भिजवाया गया। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई, कि जनकपुर में धूम मच गई, बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी, कि सब लोग बारात के आने के स्वागत की तैयारियों में लग गई। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी, चरम मतलब क्या होता है, अंतिम सीमा, के जो लोग थे वह बहुत ज़्यादा खुश थे, सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई, कि जब महाराज जनक वो जनक के दूत शीघ्रगामी रथ से वहाँ पहुँचे और उन्होंने सारी बात बताई तो वहाँ पर भी खुशी का माहौल हो गया। आनंद फानंद में बारात तैयार हुई, कि जल्दी में बारात को तैयार किया गया। हाथी घोड़े रथ सेना
बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए कि हाथी घोड़े रथ सेना, और बारात को क्या मिथिला पहुंचने में कितने दिन लग गए, वहां पहुंचने में उन्हें 5 दिन लग गए कि 5 दिन के अंदर बारात जो थी अयोध्या से मिथिला पहुंची। जनकपुरी जगमगा रही थी, ये जब बारात वहाँ पर पहुंची तो जो जनकपुरी थी वह जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, तोरण द्वार क्या होता है बेटे, तोरण द्वार क्या, जैसे आप दिवाली पर अपने घर के बाहर लगा देते हो ना तो सजाने के लिए, तो ऐसे तोरण द्वार बने हुए थे। हर जगह फूलों की चादर, कि हर जगह फूलों को, हर जगह फूल ही दिखाई दे रहे थे, फूलों से सजाया हुआ था। एक एक कोना सुवासित, सुवासित का मतलब, सु मतलब अच्छी और वासित मतलब खुशबू, कि हर एक एक कोने से मतलब खुशबू आ रही थी। हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार, के हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार लगे हुए थे। एक एक घर से मंगल गीत, और एक एक घर में मंगल गीत, खुशी के गीत गाए जा रहे थे। मंगल होती है खुशी के गीत गाए जा रहे थे। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, कि मुख्य मार्ग पर क्या था, दर्शकों की अपार भीड़ थी, कि वो लोग उनको देखने, बारात का स्वागत करने के लिए आए थे। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं, और जो खिड़कियां थी, जो खिड़कियों और छज्जों से जो औरतें थी वो देख रही थी। एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए, कि वो देख रही थी कि एक बार वो राम और सीता की जोड़ी को देख ले। विवाह से ठीक पहले विदयराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। कि विवाह से ठीक पहले मतलब जब राम और सीता का विवाह होने वाला था, तो उससे पहले विदयराज कौन है, राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। और वो कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी छोटी बेटी है उर्मिला, उसका विवाह आप लक्ष्मण से कर दें। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियाँ हैं। तो वो कहने लगे कि मेरा एक छोटा भाई है कुशध्वज, और उसकी भी 2 पुत्रियाँ हैं, मतलब उसकी भी 2 बेटी हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार कर ले, कि भरत की उन्हें भी, उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न से करवा दीजिए। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया, कि राजा दशरथ ने क्या किया, तत्काल इस प्रस्ताव को मान लिया, कि उन्होंने एक उन्हें भी यह बात अच्छी लगी। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी, कि जब विवाह हो गया तो विवाह के बाद कुछ दिन तक जो बारात थी वह जनकपुरी में ही रुकी रही। बाराती बधुओं को लेकर अयोध्या लौटे, जो बाराती थे वह बहुओं कौन होती है, जो आई थी सीता उर्मिला मांडवी और श्रुतकीर्ति को लेकर वो क्या थे, वो वहाँ पर पहुँचे, तो वो वहाँ पर अयोध्या लौट गए। बाराती लौटे, रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, कि रानियाँ जो थी कौन कौन, कौशल्या, सुमित्रा और केकई ने क्या उनकी सबकी आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, और जो और मतलब थी और स्त्रियां थी उन्होंने फूल बरसाए। शंख ध्वनियों से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा, कि जो ये आनंद का आनंद था, खुशी के गीत थे, वो कई दिनों तक गाए जाते रहे। तो छात्रों अब ये आपका पाठ नंबर 2 पूरा हो गया है। इसमें हमने पाठ का नाम क्या था, जंगल और जनकपुर। इसमें हमने जाना कि जो राम, जो विश्वामित्र हैं, जब वो विश्वामित्र से वो पूछते हैं, जब राम लक्ष्मण उसका विवाह, उसका वो वध कर देते हैं मारीच व सुबाहु का, तो वो विश्वामित्र से पूछते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि अभी आपको क्या करना है, अभी आप मेरे साथ मिथिला चलिए, वहाँ पर राजा जनक है और उनके पास एक अद्भुत धनुष है, शिव धनुष है, आप उस धनुष को देखना मेरे साथ चल के। तो वो वहाँ जाते हैं, तो जो विश्वामित्र होते हैं वे राजकुमारों को देखकर पूछते हैं यह कौन है, तो वो उन्हें बताते हैं कि ये मतलब अयोध्या के राजकुमार है राम और लक्ष्मण। फिर अगले दिन यज्ञशाला में धनुष लाया जाता है, लेकिन कोई भी जो राजकुमार होता है वह उस धनुष को नहीं उठा पाता है। फिर यह देखकर जो मुनि विश्वामित्र होते हैं वह राम लक्ष्मण को
आज्ञा देते हैं कि तुम इसको, मतलब राम को आज्ञा देते हैं कि तुम धनुष को देखो, और राम धनुष के पास पहुंच जाते हैं। एक पहले वो गुरु के संकेत मिलते ही वह धनुष को उठाते हैं, धनुष को उठाते हैं और उसको जैसे बच्चे खिलौने तो तोड़ देते हैं उस प्रकार तोड़ देते हैं। सारी जो सभा होती है वह आश्चर्यचकित हो जाती है, सब चुप हो जाते हैं, लेकिन जो चुप्पी है वह राजा जनक तोड़ते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी सीता को सुयोग्य जो है वर मिल गया है। फिर वो अयोध्या यह खबर पूछवाई जाती है, अयोध्या से पूरी बारात आती है और बारात आने पर बारात का स्वागत होता है और विवाह से पहले ही जो राजा जनक होते हैं वो विश्वामित्र से कहते हैं, वो उससे कहते हैं, किससे कहते हैं बेटे, उससे राजा दशरथ से कहते हैं कि मेरी एक बेटी उर्मिला है, आप उसका विवाह लक्ष्मण से कर दीजिए और मेरा एक भाई भी है कुशध्वज, तो उसकी भी दो बेटियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति, और उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न से करवा दीजिए। राजा जनक को यह बात बहुत अच्छी लगती है और वो अपने चारों बेटों का विवाह करवा देते हैं। फिर कुछ समय तक जो है वहीं पर ही बारात रुकती है और फिर बारात अयोध्या आ जाती है तीनों बहुओं को, चारों बहुओं को लेकर। और जो रानियां होती हैं वो कौशल्या, सुमित्रा व केकई, वो तीनों बहुओं की आरती उतारती हैं। तो आपका जो ये पाठ है यहीं पर समाप्त होता है।